गाइस कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए IPL 2022 के दोस्तों जो है दोस्तों आपके लिए लाया हूँ मैं आज दोस्तों आपका जो है सिक्स मैच की मैच प्रेडिक्शन। जो सिक्स मुकाबला है खेला जाएगा दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम वर्सेज कोलकाता नाइट राइडर्स। काफ़ी अच्छी राइवलरी रही है दोनों टीमों की, जब भी खेलते हैं तो मैचेस बहुत अच्छे होते हैं। और जो मुकाबला है दोस्तों होगा IPL 2020 का सिक्स मुकाबला, और ये मुकाबला खेला जाएगा दोस्तों 30 मार्च की दोस्तों शाम को 7:30 बजे भारतीय समय अनुसार। तो मुकाबला होगा डॉक्टर डी वाई पाटिल स्टेडियम एकेडमी नवी मुंबई में। तो मैच में जाने से पहले अगर मैं दोनों टीमों के प्लेयरों पर नजर डालूँ तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास जो बल्लेबाज हैं दिनेश कार्तिक, विराट कोहली, फैफ डुप्लेसिस, फिन एलन, अनुज रावशन, रदरफोर्ड, नवनीत सिसोदिया जैसे प्लेयर दोस्तों। वहीं अगर दोस्तों मैं जो दूसरी टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स उसकी टीम पे ना डालूँ तो उनके पास अजिंक्य रहाणे, शेल्डन जैक्सन, श्रेयस अय्यर, सैम बेलिंग्स, नितिश राणा, बाबा इंद्रजीत, रिंकू सिंह जैसे प्लेयर हैं दोस्तों। तो अगर मैं पल्ला भारी की बात करूँ दोस्तों, तो पल्ला तो दोस्तों बिना किसी शक के मुझे बल्लेबाजी में बैंगलोर का पल्ला भारी लग रहा है भाई। ये दोस्तों दोनों टीमों की गेंदबाजी पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की गेंदबाजी पर नजर डालूँ तो उनके पास ग्रेट हर्षल पटेल जैसे गेंदबाज, चामा मिलिंद जैसे गेंदबाज, डेविड विली, मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाज हैं दोस्तों, वेंडू हसरंगा जैसे गेंदबाज है। और अगर कलकत्ता नाइट राइडर्स की गेंदबाजी पर नजर डालूँ तो उनके पास जो गेंदबाज है दोस्तों वह है उमेश यादव, टिम सावधी खेलेंगे नहीं, शिवम मावी, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण जैसे गेंदबाज दोस्तों। अगर मैं पल्ला भारी की बात करूँ तो बल्लेबाज जो है गेंदबाज इन दोनों में मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ पल्ला भारी लग रहा है दोस्तों आपका रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का। और आपका मैं बता दूं कि दोस्तों अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जब भी वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। क्योंकि इस चैनल पर आपको सबसे बेस्ट मैच प्रेडिक्शन मिलती है बेस्ट एनालिसिस के साथ। और दोस्तों आपको एक और बात बताता चलूं कि दोस्तों आपको जो है मेरे टेलीग्राम चैनल में ज़रूर ज्वाइन होना है। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको वीडियो के फर्स्ट कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज्वाइन हो जाए। कई बार क्या होता है टॉस के बाद अगर कोई मैच मेरा चेंज होता है तो उसकी अपडेट मैं टेलीग्राम में देता हूँ। और दोस्तों बहुत से छोटे छोटे मैच होते हैं जिनकी वीडियो नहीं बना पाता, पर उनकी मैच प्रेडिक्शन आपको मेरे टेलीग्राम पर मिलती है, तो ज्वाइन हो जाएगा। लिंक जो है दोस्तों आपको वीडियो के फर्स्ट कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि टॉस कितना महत्वपूर्ण है दोनों टीमों के लिए। चेजिंग टीम का पल्ला भारी रह रहा है और टॉस बहुत महत्वपूर्ण रह रहा है, तो ये मैच जरूर जो है आप टेलीग्राम चैनल में ज़रूर ज्वाइन हो जाएं। तो दोस्तों ऐसे तो मुझे पल्ला तो जो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का पल्ला भारी लग रहा है। अब भैया दोस्तों आपको दोनों टीमों की प्लेइंग 11 बताता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ पिच रिपोर्ट, और आखिरी में आपको बताऊँगा प्रेडिक्शंस। तो दोस्तों RCB की जो प्लेइंग 11 होगी, फैफ डुप्लेसिस, अनुज रावत ओपनिंग करेंगे 3 नंबर पर, विराट कोहली 4 नंबर पर, दिनेश कार्तिक 5वें नंबर पर, शिपिन रदरफोर्ड 6वें नंबर पर, शहबाज अहमद 7वें नंबर पर, बिंदु हसरंगा 8वें नंबर पर, डेविड विली 9वें नंबर पर, हर्षल पटेल 10वें नंबर पर, आकाशदीप 11वें नंबर पर, मोहम्मद सिराज। अब आइए KKR की प्लेइंग 11 पर बात करूँ तो वेंकटेश अय्यर, अजिंक्य रहाणे ओपनिंग करेंगे, अज्जू भाई, श्रेयस अय्यर नंबर 3 पे, नंबर 4 पे नितिश राणा, नंबर 5 पे सैम बेलिंग्स, नंबर 6 पे आंद्रे रसल, नंबर 7 पे सुनील नारायण, नंबर 8 पे सेल्डन जैक्सन, नंबर 9 पे उमेश यादव, नंबर 10 पे शुभम मावी, नंबर 11 पे वरुण चक्रवर्ती। तो यह है दोस्तों दोनों टीमों की प्लेइंग 11। अब आइए दोस्तों जहाँ पे ये मुकाबला खेला जाएगा वहाँ की पिच रिपोर्ट पे बात करूँ तो मैं बता दूँ दोस्तों IPL 2021 में जो मुंबई और IPL 2022 में जो है मुंबई और दिल्ली का मैच इसी ग्राउंड पे हुआ था और काफ़ी आसानी से चेज कर लिया था। तो दोस्तों जो यहाँ पे डोमेस्टिक T20 हुए हैं, 8 डोमेस्टिक T20 हुए हैं, पहले बैटिंग करने वाली ने जीते हैं 1, बाद में बैटिंग करने वाली ने जीते हैं 7। तो दोस्तों टॉस का बहुत अहम है, जो टीम चेज करेगी मुकाबला वही जीतेगी, ठीक है गाइस। और जो फर्स्ट इनिंग का स्कोर रहा है वो रहा है 151 रन एवरेज स्कोर, और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जो हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे बनाया था 205 रन, पंजाब किंग्स का लोएस्ट स्कोर है। स्कोरिंग पैटर्न 5 बार 150 से कम बना है, और 150 से 169 के बीच का स्कोर 1 बार बना है, 170 से 189 के बीच का स्कोर 1 बार बना है, 190 से ऊपर का स्कोर 1 बार बना है। तो गाइज ये तो थी पिच रिपोर्ट। और आपको जो है दोस्तों फिर से मैं बता दूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्रेडिक्शन ऐप का लिंक मिलेगा, तो फटाफट जाकर प्रेडिक्शन ऐप के लिंक पर क्लिक करें, ऐप डाउनलोड करें, प्रेडिक्ट करें कि आपको क्या लगता है कौन सी टीम है मैच जीतेगी। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि आपको जो है दोस्तों अपने अपने स्क्रीन पर मेरे टेलीग्राम चैनल का स्क्रीन शॉट दिख रहा होगा, तो फटाफट टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाए, क्योंकि दोस्तों IPL आप सभी जानते हैं कि सेशंस भी आपको फ्री में दिए जाएंगे टेलीग्राम पर। और एक बात और ध्यान रखिएगा, टॉस का इतना महत्वपूर्ण है कि दोस्तों चाहे कितनी भी कोई तगड़ी टीम हो, टॉस जो टीम जीत रही है और जो सही फैसला ले रही है, जो मैच विनर है उसी के हक में आ रहा है, मैच जो है उसी के हक में आ रहा है, तो टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं आपको वीडियो में प्रेडिक्शन बता दूंगा अंत में,
लेकिन फाइनल प्रेडिक्शन जो है टेलीग्राम पे दी जाएगी और अंत में वही प्रेडिक्शन मानी जाएगी जो टेलीग्राम पे दी जाएगी, क्योंकि टॉस बहुत अहम है और मेरा और आपके हाथ में कुछ है नहीं। ठीक है, तो दोस्तों फटाफट टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाए। अगर आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं होते तो उसमें आपकी गलती है, और आपको करना क्या है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाता है मेरे, उसी टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना है, क्योंकि दोस्तों बहुत से फेक चैनल बन गए हैं मेरे नाम पे टेलीग्राम पे। तो अगर आप उन फेक चैनलों से बच के रहना चाहते हैं तो मेरे द्वारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाता है उसी से ज्वाइन हो। उसके अलावा कहीं पर कोई लिंक मिले मेरे टेलीग्राम का तो ज्वाइन होने की जरूरत नहीं है। तो गाइस मैच प्रेडिक्शन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि यहाँ पर मैं जब भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। ओके गाइस, तो गाइस मेरे हिसाब से जो टीम मैच जीतेगी वो होगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। जी हाँ दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर फिलहाल मेरे हिसाब से मुकाबला जीतेगी, पर फाइनल प्रेडिक्शन जो है दोस्तों टॉस के बाद मैं आपको बताऊँगा टेलीग्राम पर, तो ज्वाइन हो जाइएगा और ज्वाइन होना मत भूलिएगा, ज्वाइन जरूर होइएगा दोस्तों टेलीग्राम पे। नहीं तो अगर आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं होता तो उसमें गलती आपकी है, क्योंकि आप फाइनल प्रेडिक्शन मिस कर देंगे। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।